सभी लोग हम लोग अक्सर सुनते हैं कि कोई पेरेंट्स अपने खुद के बच्चे को अपने प्रॉपर्टी से बेदखल करना चाहता है। तो अब सवाल आता है, क्या लीगली ये पॉसिबल है? क्या लीगली एक फादर या एक मदर अपने खुद के बच्चे को अपने प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकता है? सभी लोग, आज के वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जो सच में अपने बच्चे को अपने प्रॉपर्टी से बेदखल करना चाहते हैं। इसके साथ साथ ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जिसको ये लगता है कि उसका पेरेंट्स उसे अपने प्रॉपर्टी से बेदखल कर देगा। तो मेरे को इस मैटर को, इस एविक्शन के मैटर को, इस बेदखल करने का जो ये टॉपिक है, अगर इसके बारे में आपको सब कुछ जानना है तो ये वीडियो आप अंत तक देखिए, क्योंकि इसके बारे में हर पेरेंट्स को और हर बच्चे को जरूर जानना चाहिए। हम लोग ये सुनते हैं कि फलाना आदमी ने अपने खुद के बच्चे को अपने प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया, अपने घर से निकाल दिया। ये न्यूज़पेपर एड्स में ऐसा भी लिखा हुआ होता है कि फलाना आदमी ने अपने बच्चे को बेदखल कर दिया अपने प्रॉपर्टी से। इसके साथ साथ वो अभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, मतलब उसका बच्चा जो कुछ भी करेगा इसके लिए उसका पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लेकिन अब सवाल आता है कि एक न्यूज़पेपर एड्स क्या काफ़ी है अपने बच्चे को अपने प्रॉपर्टी से बेदखल करने के लिए? सभी लोग, ये जो प्रॉपर्टी से बेदखल किया जाता है इसका बहुत सारे रीज़न हो सकता है। पहला तो ऐसा हो सकता है कि उसका जो बच्चे का बिहेवियर टूअर्ड्स पेरेंट्स वो सही नहीं है। इसके साथ साथ वो कुछ गलत संगत में फंस गया है जिससे बाहर निकलना पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। जैसे वो नशागत हो सकता है, ड्रग्स एडिक्टेड हो सकता है। इसके साथ साथ और एक पॉइंट हो सकता है, वो है मेंटेनेंस। सोचो ऐसा होता है कि आपका जो बेटा है उसके साथ उसके वाइफ का नहीं बनता है, इसके वजह से उसने एक मेंटेनेंस क्लेम किया है। तो सिचुएशन में अगर पेरेंट्स को लगता है कि बाद में चलकर उसके प्रॉपर्टी के ऊपर भी सवाल उठ सकता है मेंटेनेंस के पैसा देने के लिए या उसके शेयर देने के लिए, तो सिचुएशन में हम लोग अक्सर देखते हैं कि एक पेरेंट्स द्वारा एक स्टेप लिया जाता है, उसे खुद के बच्चे को अपने प्रॉपर्टी से बेदखल करना पड़ता है। लेकिन मेरे लोग, अगर सौ आनी सच बात बोला जाए तो किसी भी पेरेंट्स को इस कारण के चलते अपने बच्चे को अपने प्रॉपर्टी से बेदखल करने का कोई रीज़न नहीं बनता है। क्योंकि सोचो ऐसा होता है कि आप एक पेरेंट्स हो और आपने कुछ प्रॉपर्टी खरीदे हो, आपने घर बनाए हो, तो उस सिचुएशन में आप जब तक जिंदा हो तब तक वो प्रॉपर्टी आपका है। आप जब तक जिंदा हो प्रॉपर्टी आपका है, वो आपके बच्चे कभी भी आपसे छीन नहीं सकते। इसके साथ साथ अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो उस सिचुएशन में आप लीगली कभी भी अपने बच्चे को रोक नहीं सकते, उसको उस प्रॉपर्टी से इवेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आपका भी हक है, वैसे जब से आपके बच्चे का जन्म होता है तब से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उसका भी हक बन जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है तो उससे आप अपने बच्चे को दूर रख सकते हो, लेकिन अगर वही एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो आपका कोई राइट नहीं बनता एज अ पेरेंट्स कि आप अपने बच्चे को उससे बेदखल करवा सकें। तो इस सिचुएशन में लीगली ऐसा कहा जाता है कि किसी भी बच्चे को किसी की भी प्रॉपर्टी से एविक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉ पॉइंट में ऐसा कोई प्रोविज़न स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है कि एक बच्चे को अपने प्रॉपर्टी से एविक्ट जरूर करना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर एक बात मेंशन किया गया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर पर्सनल प्रॉपर्टी एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और पर्सनल प्रॉपर्टी में आपके बच्चे कैसे एंट्री लेगा और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आपका बच्चे कैसे एंट्री लेगा। इसके साथ साथ भी लोग, और एक प्रोसेस है जिसके द्वारा आप अपने खुद के प्रॉपर्टी से भी अपने बच्चे को बेदखल कर सकते हो। इसके लिए आपको एक चीज़ मेंशन करना होगा, वैसे आपको कहा कि जब तक आप जिंदा हो आपका खुद का प्रॉपर्टी आपका खुद का ही है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके मौत के बाद भी आप अपने बच्चे को आपका प्रॉपर्टी नहीं दोगे, तो सिचुएशन में आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो है टू प्रिपेयर ए विल। और उस विल में आप ये मेंशन कर सकते हो कि आप अपने इस बच्चे को प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते हो, एक क्लियरली मेंशन होना चाहिए। उसके साथ साथ उसका रीज़न भी मेंशन होना चाहिए। अगर आप ऐसे करते हो तो सिचुएशन में आप अपने बच्चे को प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हो। इसके साथ साथ वीडियो लोग, और एक सवाल जो आता है, जो न्यूज़पेपर एड्स, तो ये न्यूज़पेपर एड्स क्या इनाफ है अपने बच्चे को अपने प्रॉपर्टी से बेदखल करने के लिए? तो वे लोग, एज पर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ गार्जियन एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, इसके मुताबिक एक एविक्शन का प्रोसेस है, एक एविक्शन का प्रोसीजर है जो सेक्शन 23 सब सेक्शन 2
में कहा गया है, जहां पर कहा गया है कि आप आपके बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी से एविक्ट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको कुछ प्रोसीड्योर को फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जाकर एक कंप्लेन दर्ज करना पड़ेगा, जहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक ट्रिब्यूनल गठन करेगा। उसके साथ साथ लगभग एक महीने के अंदर, 21 दिन होता है, 21 दिन से एक महीने के अंदर वो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा। और इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हुए अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि आपके बच्चे को आपके प्रॉपर्टी से बेदखल करना चाहिए, तो सिचुएशन में वो जो ऑर्डर करेगा उसके मुताबिक अपने बच्चे को 30 दिन के अंदर आपके घर छोड़ देना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल आता है, जब भी आप अपने बच्चे को अपने घर से निकालोगे तो घर आपका खुद का खरीदा हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, वो घर भी आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रूप में मिला है, सो आपका पूर्वज ने वो घर बनाया था और आप भी उस घर में रहते हो, तो आपके बेटे का भी हक है उस घर में रहने का, और आप कभी भी अपने बच्चे को उस घर से नहीं निकाल सकोगे। सभी लोग, सीधी बात है, अगर प्रॉपर्टी आपका है, घर आपका है, तो आप जो चाहे वो कर सकते हो। आपको अपने बच्चे को प्रॉपर्टी नहीं देना है, कोई बात नहीं, जब तक आप जिंदा हो प्रॉपर्टी आपका खुद का है। अगर आप मरने के बाद भी नहीं चाहते हो तो आप विल बनाओ। इसके साथ साथ अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात किया जाए, तो आप जो कुछ भी कर लो, आप उससे आपके बच्चे को बेदखल नहीं करवा सकते। यही है सीधी बात। सभी लोग, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लीगल स्टार्ट को जल्द से जल्द आगे बढ़ाइए।